वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अभी था जी रात का टाइम और यहाँ पर मैं लगा रही थी मेहंदी, और मैंने इस बार ना कोन मेहंदी लिया ही नहीं था। एक बार मैंने यहाँ से मेहंदी ली थी, उसका बिल्कुल भी कलर नहीं आया था। मैंने सोचा कि मेरे पास इतने सारे कोन मेहंदी पड़े हैं, उसी में से कोई लगा लूंगी, लेकिन जब लगाने लगी तो कोई निकल ही नहीं रहा था, सारे खराब हो चुके थे। और यहाँ पर मैं अभी कैमरा सेट कर रही थी मेहंदी लगाने के लिए, और इतने में मेरा बेटा उठ गया और फिर मैं उठ के चली गई उसको सुलाने। उसके बाद जी मैंने रूम में बैठ के ना हल्की सी लाइट ऑन करके मेहंदी लगाई, क्योंकि मेहंदी निकल नहीं रही थी, कोन खराब था। बस जैसे तैसे करके ना मैंने हल्का सा डिजाइन बना लिया था। अभी था जी सुबह का टाइम और ये मेरा ईद का ड्रेस था। ये वाला जो ईद का ड्रेस है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरी 2 साल पहले ईद आई थी, उस टाइम पर अब्बू जिंदा थे और फिर अब्बू फौत हो गए, और मैंने ये वाला ड्रेस अपना फ्रॉक पहना ही नहीं था, अभी तक इसको रखा हुआ था। और मैंने सोचा इस ईद पर इसी को ही पहन लेती हूँ। और इसके साथ अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टोलर कौन सा पहनूँ, ब्लैक पहनूँ या गोल्डन पहनूँ। इधर भी देखो ना, एक बार ओके आपने ये चेंज करना है। उसके बाद जी शासन शावर लेके आ चुका था, इसको इसके पापा ने शावर दिया था। कपड़े मैंने बच्चों के निकाल दिए थे, ये जब हमारी इनकी नानों ने पिछली ईद भेजी थी ना, तो उसी में ही इनकी शर्ट्स इन्होंने स्टिच करवा के भेजी थी, ब्लैक और रेड वाली। तो मैंने आज इनको ये ब्लैक वाली शर्ट्स बनाई थी, दोनों को बहुत पसंद भी आई, और माशाल्लाह पहनने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे मेरे दोनों शहजादे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रेडी बिल्कुल नहीं हुई थी, बस चेंज किया था क्योंकि हमारा मूड बन गया था आज हमने ब्रेकफास्ट करना है बाहर। तो बस ऐसे जल्दी से कपड़े चेंज किए, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कपड़े भी नहीं चेंज करो, बस ऐसे ही हम ब्रेकफास्ट लेके आते हैं वो करेंगे, और उसके बाद फिर शाम में रेडी होके ना हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, ईद वाले कपड़े तो पहनने दें, कम से कम हमें फीलिंग्स तो आए कि ईद के लिए हम बाहर निकले हैं। तो बस मैंने भी जल्दी से चेंज कर लिया था, बस सन क्रीम लगाई, बच्चों को भी सन क्रीम लगाई और उनके कपड़े चेंज करके तो हम निकल आए थे बाहर। हमने आज करना था क्रूसिन का ब्रेकफास्ट। क्रूसिन अच्छा मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। कहते हैं कुछ साल पहले मैंने बहुत ज़्यादा ये वाला ब्रेकफास्ट करता था। बस यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर लगा दिया था, हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था रेडी, और हम चले गए थे जी फिर पेमेंट करने। पेमेंट की और बच्चे जो है ना यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन थे कि जो भी आपको पसंद हो ना आप ले सकते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले हमने घर पर ऑर्डर किया था, तो वो ठंडा आते आते हो गया था, इतना मज़ा नहीं आया था। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे जब हम गरम गरम लेके खाते हैं ना फ्रेश उसी टाइम, तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलें ये भी देख लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैं पसंद कर रही थी और क्या लेना है। एक मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पसंद किया, बच्चे कह रहे थे कि पिज़्ज़ा खाना है। उसके बाद जी मैंने एक मफ़िन लिया, इनके जो मफ़िन है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो चॉकलेट वाला एक मफ़िन ले लिया था। वैसे तो मुझे अपना वज़न कम करना है, लेकिन आजकल मुझे मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, ना चाहते हुए ना मैं मीठी कोई ना कोई चीज़ ले ही लेती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी चित्री वाला बनाना आपको, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये मशहूर है, चित्री वाले केले सभी खाते हैं, क्योंकि इतने मीठे भी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये वाले। और यहाँ पर जी शाजिम कह रहा था कि मैंने अंदर कॉइन्स डाले हैं, और बस फिर मैं इसके पापा से कह रही थी कि इनको दे दें, कॉइन्स तो उनके पास थे नहीं, और फिर उन्होंने जी 5 धरम दे दिए थे। और शाजिन बहुत कोशिश कर रहा था डालने की, उसको इसमें डालने नहीं आ रहे थे, उसको बस ये होता है कि मैं क्वाइंट्स डाल दूँ ना, क्वाइंट्स क्योंकि इजी बच्चे डाल लेते हैं। और बस यहाँ पर हमने पेमेंट भी कर ली थी, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी रेडी हो चुका था। और बस जी हम अपना ऑर्डर लेके पहुँच चुके थे गाड़ी में, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट हमने पेट्रोल पम्प से लिया था, और उनके पास जो है ना वहाँ अंदर बैठने की जगह नहीं थी, बस आपको लेकर तो गाड़ी में खा लें या फिर घर जाके खाएं। और बस फिर हमने जी बैठ के गाड़ी में खा लिया था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ वाली लग रही थी, क्योंकि 12 बज चुके थे। वरना नॉर्मली तो ये होता है सुबह को उठ के कॉफ़ी पी ली या एप्पल खा लिया तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है। और बस जी यहाँ पर बच्चे भी खूब मज़े लेके खा रहे थे, मैंने और छोटे ने हाफ किया था, इतने में ही हमारा पेट फुल हो गया था। वैसे तो हमने 3 क्रूसन लिए थे, और बच्चों के लिए ये पिज़्ज़ा लिया था जो कि बच्चों ने खाया ही नहीं था। अभी मैं खा रही थी यहाँ पर मफिन, और शाजन से मैं पूछ रही थी कि ऊपर चॉकलेट्स बीट्स जो लगे हुए हैं ना, शाजन को बहुत पसंद है, लेकिन शाजन का भी मूड नहीं था, उसने तो खाया नहीं। लेकिन छोटा और मैं जो है ना वो मफिन खा रहे थे, बहुत ही मज़े का था। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये मफिन खाया था और फिर आज खाया था, मुझे ना ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। उसके बाद जी फिर अभी हमारा लगा था दूसरा स्टॉप, और अभी हमने दूसरी जगह पर गाड़ी लगाई पेट्रोल पम्प पर, और यहाँ से फिर हमने लिए बारह कात के
फेमस फ्रेश जूस होते हैं, तो बस ये हमने फिर ले लिए थे। पाइनएप्पल का लिया, अनार का लिया, वाटरमेलन का लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने खुद भी पिया और बच्चों को भी पिला रहे थे, क्योंकि बच्चों का मैंने वाटर बॉटल भी नहीं रखी थी, इनका दूध भी नहीं रखा था। बस ये था कि हम ब्रेकफास्ट लेके ना घर आ जाएंगे, लेकिन हमारा प्लान नहीं बना घर आने का। शाहजन रो रहा था, कह रहा था कि अभी घर नहीं जाना। फिर हम जो लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, और इतने में जो है ना फिर बच्चों का सोने का टाइम हो गया था, तो बस बच्चों ने जूस पिया। उसके बाद जी फिर सोने का टाइम हो गया था, तो शाहजन आके ही सो गया था अपने पापा के पास। फिर मैंने इसको बुलाया कि मेरे पास आ जाओ, गोदी में सो जाओ। और छोटा सांप जो है ना आज ये नहीं सोया था, ये काफी एक्टिव था, इसको नींद नहीं आई थी। घर आने तक ना ये फुल एक्टिव रहा है गाड़ी में। अभी जी हम घर आ गए थे और टाइम मेरे ख्याल से 2 बजे का था, हमें भूख भी लग गई थी क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया था। तो बस ये लंच में मैंने रात को ही मटन कोरमा बना लिया था, साथ में वेजिटेबल वाले राइस बनाए थे, और नान जो है ना हम बाहर से लेके आए थे। जब भी मटन कोरमा बना होता है ना, तो मेरा दिल करता है कि साथ में नान हो, लेकिन पाकिस्तान वाला टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत ही मजे के लगे। और उसके बाद जी हमने लंच वगैरह यहाँ पर डन कर लिया था, और अभी मुझे करना था किचन क्लीन और सारे बर्तन वॉश करने थे। कहने को तो हम 2 बंदे होते हैं खाने पीने वाले, लेकिन जब खाने लगते हैं तो पूरा किचन फैल जाता है, क्योंकि हम थके हुए आए थे, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बस आके चेंज किया, हाथ मुंह धोया, और उसके बाद जो है ना हमने फिर लंच कर लिया था। और सालन को मैंने दोबारा से रखना है पकने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे गोश्त थोड़ा सा सख्त है, मुझे लगा था कि गल जाएगा। मैंने फिर रात को चेक नहीं किया था। अच्छा, जब भी ईद होती है मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी सालन बनाना होता है ना, तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह का दिन जो होता है ना वो बहुत ही मसरूफियात में गुजरता है। इस ईद पर मैंने मीठा कोई नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और मैंने भी नहीं खाना था, दिल था नहीं, हमारा बच्चे भी नहीं खाते, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं था। बस मैंने कोरमा बना लिया था, राइस बना लिए थे, बस ये हमारा लंच हो गया था। उसके बाद ये फिर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। चाय मैंने बनाई थी मिंट, सौंफ और छोटी इलायची डाल के। ये बहुत ही मजे का कहवा बनता है, क्योंकि हमारे घर में कहवा पिए बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। मेरे हस्बैंड चाय पिए ना पिए, मैंने तो मस्ट पीना होता है। स्टार्टिंग में क्या था कि जब मैंने दुबई में मूव किया था तो मेरे हस्बैंड नहीं पीते थे, और अब उनको भी मेरे साथ आदत हो गई है। कभी मेरा दिल ना भी हो ना, तो वो कहते हैं कि कहवा बना दो, चाय पिला दो मुझे। बस ये फिर कावा पिया, उसके साथ मैंने एक रसगुल्ला खाया, क्योंकि जब हमने नान लिए थे ना, तो वहां से ये पाकिस्तानी में रसगुल्ले लेके आई थी, और बस ये मैंने इसको एंजॉय किया। उसके बाद चाय पी, और यहाँ पर अपने मिठू को भी खाना डाल दिया था, और ये भी बैठ के खाना खा रहा था। उसके बाद जी फिर बच्चों को हमने सुला दिया था, और 1.5 घंटे बच्चों ने नींद कर ली थी। अभी हम सो गए, उठ चुके थे, फ्रेश भी हो गए थे, और यहाँ पर हम फिर पी रहे थे नारियल पानी। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है कि शाम के टाइम पे मैं फ्रेश जूस बनाती हूँ, बच्चों को भी वही देते हैं, और हम हस्बैंड वाइफ भी ना फ्रेश जूस पीते हैं। तो आज ईद थी, जूस तो बनाना नहीं था, और इसलिए ना मैंने कल ही कोकोनट वाटर मंगा के रख लिया था कि फिर जूस की जगह पर हम ये पी लेंगे, क्योंकि वीक में एक बार हमने कोकोनट वाटर पीना होता है। बच्चों को भी देती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे बड़ों के लिए भी ये कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और अभी फिर नेक्स्ट डे था ईद का दूसरा दिन, अभी था सुबह का टाइम, और मैंने बना ली थी फ्रूट चाट, और इसके साथ फिर कॉफी पी लेंगे। उसके बाद ये फिर प्लान होता है हमारा लंच का, क्योंकि कल तो हमने ब्रेकफास्ट बाहर से किया था, और बस कल का कह लें कि पूरा दिन हमने ईद का ऐसे ही गुजारा, बस ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, और उसके बाद जो है ना फिर घर थक हार के आए जब, तो बस फिर बाहर निकलने का मूड ही नहीं था शाम में, क्योंकि प्लान यही था कि फिर हम शाम को निकलेंगे, रेडी होके पिक्चर्स वगैरह लेंगे, क्योंकि हमारी फैमिलीज के भी यही मैसेज आ रहे होते हैं जब हम परदेश में होते हैं ना, कि ईद की तस्वीरें नहीं भेजी, ईद पर क्या किया। तो मैंने सबको यही कहा कि ईद पर हमने बस ब्रेकफास्ट किया, कोई तस्वीरें नहीं बनाई है, जब बनाएंगे तो आपको भेजेंगे। एनीवेज यहाँ पर मैंने बच्चों को फ्रूट चाट दे दी थी खाने के लिए, हस्बैंड को भी, और साथ में मैंने आज बनाया था आलू पालक मेथी का सालन, और आटा मैंने कल गूंद के रखा था, कल नहीं सॉरी परसों गूंद के रखा था, लेकिन कल तो रोटियां हमने बनाई नहीं थी, बाहर से लेके आए थे, आज फिर मैंने घर पर ही रोटियां बनाई, और साथ में आलू पालक मेथी का सालन भी रेडी हो गया था। इसके साथ ही परसों जो मैंने ईद पर कोरमा बनाया था ना मटन का, साथ में कोरमा भी गर्म कर लिया था, और उसके साथ ही मैंने मजे वाली ठंडी ठंडी लस्सी बना दी थी, और बहुत ही मजे का जो है आज का हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। खाना वगैरह जी खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। पहले मैंने किचन को क्लीन किया, उसके बाद जी फिर बर्तन वॉश करूंगी, क्योंकि आज का मैंने यही प्लान किया हुआ था कि कल का जो दिन है वो तो बस हमारा बस हमने ब्रेकफास्ट किया, लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, उसी में गुजर गया, ना तो अच्छे से रेडी हुए, बस ऐसे जल्दी जल्दी में घर से निकल गए थे कि ब्रेकफास्ट बाहर करना है। सो आज ये प्लान था कि लंच करना है,
सारे घर के काम वगैरह करने हैं, उसके बाद सोना नहीं है। रेडी होके हम बाहर जाएंगे, पहले तो बच्चों को लेके जाएंगे मॉल, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, समझ भी नहीं आ रहा था कि ईद पर क्या करें किधर जाएं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी मैच कर रही थी, साथ में ब्लैक वाला बैग भी निकाल लिया था, और उसके साथ जी ये बड़ी वाली जो रिंग है ना, ये शाहसहन ने मुझे निकाल के दी कि मम्मा ये पहने। शाहसहन को भी ना बहुत पता चल गया मैचिंग का, आजकल ना वो भी हर चीज में मेरी हेल्प कर रहा होता है। मम्मा ये नहीं पहने, काशना, आप ये पहने। मम्मा वॉट दिस दिस बैंगल्स मम्मा, वॉट बैंगल्स दिस मम्मा, दिस वॉच, वॉच। यस मामा वॉच। बस जी अभी मैं हो चुकी थी रेडी बाहर जाने के लिए, और इसके साथ ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, स्ट्रोलर मैंने ब्लैक पहन लिया था और दुपट्टा इसके साथ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था गोल्डन पहनूं या ब्लैक पहनूं। और फिर जी मैंने जब ब्लैक पहना तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सैंडल भी मैंने इसके साथ ब्लैक ही पहने थे, मैंने कहा सारा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और फिर मैंने इसके साथ ग्रे वाले ट्रांसपेरेंट सैंडल पहन लिए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस जी मैं रेडी हो चुकी थी, साथ में मैंने नेल पॉलिश भी रख ली थी कि गाड़ी में बैठ कर ना वो लगा लूंगी, क्योंकि मुझे घर में टाइम ही नहीं मिला लगाने का। मेरा ये होता है कि एक ही दिन मैं लगाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे जो है ना उसको उतार देती हूँ, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती, इससे ना ही आपका वजू होता है ना ही फिर आपकी नमाज होती है। और बस जी मैं रेडी हो चुकी थी, गाड़ी में आके मैंने नेल पॉलिश लगा ली थी। बस इसी तरह से जो है ना हमारी ईद गुजर गई थी। कुर्बानी हमने पाकिस्तान में ही अपनी रखी थी, क्योंकि यहाँ पर कुर्बानी करें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम अपना हिस्सा जो है ना वो पाकिस्तान में ही रखते हैं। बस अभी हम आ गए थे बच्चों को लेके मॉल, क्योंकि आज वैसे तो ईद का दूसरा दिन था, लेकिन हमने कपड़े जो है ना वो पहले दिन वाले ही पहने थे, बच्चों ने भी और मैंने भी, क्योंकि हमने ईद की पिक्चर्स ली नहीं थी, आज हमने ईद के पिक्चर्स बनाने थे, इसलिए हमने कपड़े अपने चेंज नहीं किए थे, वही वाले पहने थे। बस जी यहाँ पर हम अपनी ईद की पिक्चर्स ले रहे थे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आगे हमने क्या कुछ किया था।